आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ गाजर के जूस की रेसिपी। और ये जूस हमारे शरीर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। इसके साथ ही इसमें बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स भी होते हैं और ये हमारी आँखों की रोशनी को भी बढ़ाता है। तो फिर चलिए बनाना शुरू करते हैं गाजर का हेल्दी जूस। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि मेरे वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पहुंचे आप तक। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं बनाने जा रही हूँ गाजर का रस। अभी सर्दियों के मौसम में ये देखिए बहुत ही अच्छी गाजर आ रही है, तो हमें गाजर का रस ज़रूर पीना चाहिए। तो आइए देखते हैं गाजर का रस बनाने में हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। गाजर का रस बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 4 से 5 गाजर ली हैं, ये देखिए। और मैंने इसका छिलका हटा लिया है और इसे साफ़ पानी से धोकर रख लिया है। इसी के साथ मैंने यहाँ पर 1/2 छोटी चम्मच चाट मसाला लिया है। आप इसकी जगह पर काले नमक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 1 नींबू। तो फिर चलिए बनाना शुरू करते हैं गाजर का रस। गाजर का रस बनाने के लिए सबसे पहले ये जो गाजर है इसे हमें छोटे छोटे टुकड़ों में काटना है। तो अब हम इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे, ज़्यादा मोटे टुकड़े नहीं करने हैं इसके। और इसी तरह से सभी गाजर को टुकड़ों में काट कर तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए, सभी गाजर को मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर तैयार कर लिया है। और अब मैंने यहाँ पर ये जार ले लिया है, आप इसकी जगह पर मिक्सी वाला जार भी ले सकते हैं। तो अब हम ये जो टुकड़े हैं गाजर के इसे जार में डाल देंगे थोड़ा थोड़ा करके इस तरह से। तो ये देखिए, गाजर के टुकड़ों को मैंने जार में डाल दिया है। और अब इसमें ऐड करेंगे 2 छोटे चम्मच पानी और अब जार का ढक्कन बंद कर देंगे और इसका एक पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने गाजर का पेस्ट बनाकर तैयार कर लिया है, ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, और अब हम इसे छान लेंगे अलग बाउल में। तो अब इसे डाल देते हैं छलनी में। और अब इसे प्रेस करते जाएंगे और गाजर का रस बनकर तैयार हो जाएगा। और ये देखिए, यहाँ पर गाजर का जूस बनकर तैयार है। इसी के साथ ये जो गाजर का एक्स्ट्रा पल्प बचा है, ये देखिए, इसे हम आटे में गूंथकर इसके पराठे बना सकते हैं। तो अब हम इसे भी रख लेंगे। और ये हमारा गाजर का हेल्दी जूस बनकर तैयार है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 नींबू का रस और ये चाट मसाला। अब इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। और ये लीजिए, गाजर का हेल्दी और टेस्टी जूस बनकर तैयार है। और सेम इसी प्रोसेस से मैंने गाजर का रस और बनाकर भी तैयार कर लिया है। और अब हम इसे सर्व करेंगे ग्लास में। तो अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। ये देखिए, तो ये लीजिए सुपर हेल्दी गाजर का रस बनकर तैयार है। तो फिर आप भी इसे ज़रूर बनाइए और अपनी फैमिली को स्वस्थ रखिए। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती हो तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इसके साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई हेल्दी और टेस्टी रेसिपी के साथ में। तब तक के लिए बाय।